अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया था कि आप लोग लेम का अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं और उस अकाउंट को आप किस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको उसका आगे का पार्ट बताने वाला हूँ कि जब आपके अकाउंट के अंदर एक इनफ अमाउंट जमा हो जाती है तो उसको विड्रॉल करने के लिए आपको किन सेटिंग्स और किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कीजिएगा। और ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ हमारी ग्रुप के एडमिन खतीबा की स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर हमारे न्यू के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे माय अकाउंट के ऊपर चले जाना है। देन फर्स्ट पे आपको मिलेगा आपका अकाउंट नंबर, देन सेकंड मिलेगा आपको आपका इनविटेशन कोड और इसके अंदर आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। आपको थर्ड पे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ फर्स्ट के ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है हेड पोर्ट्रेट का, जिसके अंदर आप लोग अपनी DP लगा सकते हैं। अगर आप फीमेल है तो फीमेल की लगा लें, मेल है तो मेल की लगा लें। देन सेकंड यहाँ पे आपका आ जाएगा मोबाइल नंबर। उसके बाद थर्ड के ऊपर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा बैंक कार्ड, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ऑलरेडी मैं क्योंकि मेरा ऐड है तो मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह से ऐड करना होगा। यहाँ पे आपको कुछ मिल रहा है इंग्लिश में, बहुत सारी इनकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। तो फर्स्ट इसमें आपसे मांग रहा है वॉलेट S9, तो आपने जिस नंबर तक इसके ऊपर इजी पैसा है जेएस कैश से पेमेंट की थी वहाँ पर जो आपका ओरिजिनल जेएस कैश नेम है सेम वही नेम आपको यहाँ पर भी पेस्ट करना है। और ये कह रहा है अगर आपका नाम इसके अंदर मैच नहीं करेगा तो आपको ये पेमेंट नहीं करेगा लेम। तो सिम पे आपको सेम टू सेम वही नेम यहाँ पेस्ट कर देना है। देन सेकेंड आपसे मांग रहा है आपका मोबाइल नंबर या वॉलेट नंबर, एक ही बात है। तो यहाँ पर आप अपना जेएस कैश या इजी पैसा जो भी आपका अकाउंट है आप उसका नंबर पेस्ट कर देंगे। देन सेकेंड पर आपसे ऑप्शन मांग रहा है कि आपकी वॉलेट टाइप, कि आपका अकाउंट कौन सा है, जेएस कैश है या फिर इजी पैसा। तो यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करके जो भी आपका अकाउंट है जेएस कैश आईडी पैसा उसको आप कंफर्म करके यहाँ पे एडिट नाउ दबा देंगे। देन जैसे ही आप यहाँ बैक करेंगे आपके देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट सेव हो चुका है। तो इसके बाद आपको क्लिक करना है डिटेल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। यहाँ पर आपसे मांगेगा रियल नेम, तो यहाँ पर भी आपको अपना जेएस कैश या इजी पैसे का रियल नेम जो आपका है सेम टू सेम वही यहाँ पे आपको लिखकर सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ मेन चीज़ आ जाती है आपका फंड कोड। तो फंड कोड क्या होता है बेसिकली मैं आपको थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पे मैंने आपका बैंक अकाउंट किस तरह आपको ऐड करना है विड्रॉल के लिए आपको मैंने बताया, इस तरह कोई भी आपका यार दोस्त या फिर कोई भी कज़न वगैरह XYZ यहाँ पर आपका अकाउंट यहाँ से रिमूव करके अपना अकाउंट ऐड कर सकता है और आपके अकाउंट की जितनी भी आपकी अर्निंग है वो अपने पास ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसलिए फंड कोड यहाँ पे बनाया गया है ताकि जब भी आप विड्रॉल करेंगे तो आपका अकाउंट आप देखेंगे ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। वो आपसे कहता है कि अपना लॉगिन पासवर्ड और यूज़र नेम डालें। तो सिंपल आपको ऑलरेडी क्योंकि आपने उसको सेव किया हुआ है तो आप लॉगिन क्लिक करेंगे जस्ट वैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लेकिन फिर भी जब आप विड्रॉल करेंगे तो आपसे वहाँ मांगता है फ़ंड कोड, तो कोशिश करेंगे अपना फ़ंड कोड थोड़ा डिफरेंट रखें अपने लॉगिन पासवर्ड से। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ फ़ंड कोड किस तरह बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा ऑलरेडी क्योंकि बंच बना हुआ है फ़ंड कोड तो मेरे से कह रहा है कि मैं अपना ओल्ड यहाँ फ़ंड कोड डालूँ, उसके बाद मुझे यहाँ पे न्यू क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। बट आप क्योंकि फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो आपके पास सिर्फ ये न्यू मतलब मांगेगा आपसे कोड और उसको मांगेगा कन्फर्म कोड करें आप सिंपल। तो बेसिकली यहाँ पर समझ गए होंगे आपके फ़ंड कोड किस काम के लिए यूज़ होता है यहाँ पर। तो सिंपल आप यहाँ पर अपना फ़ंड कोड क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद आप उसको भी सेव कर लेंगे। तो क्योंकि मेरा अकाउंट अभी स्टाफ का है और मेरी विड्रॉल डेट अभी आई नहीं है जो कि मेरी आएगी 6 नवंबर से 10 नवंबर तक। तो इंशाल्लाह जैसी मेरी विड्रॉल डेट आती है फिर मैं आपको यहाँ से विड्रॉल करके भी दिखाता हूँ कि पैसे किस तरह से निकलते हैं और कितनी देर में पैसे आ गए हैं। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।